खबर अयोध्या से आ रही है, जहां 4 फरवरी को नगर के सिविल लाइन सब स्टेशन पर संविदा पर काम कर रहे लाइनमैन नंदू की दोपहर करीब 1:45 पर सिविल लाइन क्षेत्र में लगे कृष्णा होटल पैलेस के सामने ट्रांसफार्मर पर, जिससे जियो टावर की सप्लाई की जाती है, उसको ठीक करते वक्त करंट लगने से मृत्यु हो गई। अब सवाल यह उठता है कि इस मृत्यु का जिम्मेदार कौन होगा, स्वयं नंदू या कहीं पर बिजली विभाग को भी दोषी ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्राप्त सूचना से पता चला है कि जियो टावर की सप्लाई तत्काल ठीक करने के लिए सब स्टेशन द्वारा नंदू को भेजा गया, जबकि लाइट नहीं काटी गई। नंदू वहां पहुंचते ही ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए चढ़ा और चढ़ते ही मृत्यु हो गई। मौके पर मैंने देखा कि आधे घंटे तक लाश ट्रांसफार्मर से लटक रही थी। विद्युत विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर आखिरी समय तक नहीं पहुंचा। पहुंचा भी तो जब लाश उतार ली गई तब लगभग 30 से 40 मिनट बाद। दूसरी चीज देखने को यह मिली कि जब लाश उतारने के लिए विद्युत विभाग के पास कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लाश को तत्काल उतारा जा सके। लाइनमैन के सहयोगियों द्वारा, विद्युत विभाग के छोटे कर्मचारियों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद लाश को उतारा गया। अब देखना यह है कि इस गरीब की मृत्यु पर सरकार से मुआवजा कौन मांगेगा, दोषियों को दंडित कौन करेगा। बड़ा सवाल हम सबके समक्ष।